सो हियर वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 to 10th ऑफ मोशन. हमने क्वेश्चन 1 to 5th कर लिया था. सो क्वेश्चन 6 वी हैव दैट ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस ग्राफ दिखा रहा है. ठीक है, हमें ये देखना है कि ABCD जो है उसे स्टडी करना है और जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर देना है. सो फर्स्ट विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फर्स्ट, तीनों में से कौन सा है जो ज़्यादा मतलब तेज ट्रेवल कर रहा है. सो दैट इज ऑब्जेक्ट बी. देन सेकेंड वी हैव आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. सो दैट इज नो, नहीं कर रहे हैं. देन थर्ड हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, जब बी ए को पास करेगी तो जो सी है वो कितना दूर ट्रेवल करेगी. सो दैट इज 5.714 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस है. जब बी ए को पास करेगी तो सी कितना दूर ट्रेवल करेगी, दैट इज द डिस्टेंस. फोर्थ वी हैव दैट हाउ फार हैज इट ट्रेवल्ड बाय द टाइम्स इट पासिस सी, कि जो वो कितना मतलब कितना ट्रेवल करेगी जब वो सी को पास करेगी. सो दैट इज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इससे बोला गया कि 5.143 किलोमीटर है. ठीक है, सो इसका हम लोग हमारे पास फॉर्मूला है कि स्पीड है वो निकाल सकते हैं. दैट इज स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन द टाइम. तो जो स्लोप है ग्राफ की वो क्या हो गई, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई, स्लोप ऑफ स्पीड इज यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ के इक्वल हो गई. सो ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ए एंड सी, इट इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. सो ऑब्जेक्ट बी है वो बड़ा है किससे, ए एंड सी से, इसीलिए वो क्या कर रहा है, मतलब जो स्लोप है बी की वो बड़ी है ए एंड सी से, इसीलिए जो बी है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है किससे, ए एंड सी से. बी में है कि जितने भी तीनों ऑब्जेक्ट्स है ए बी एंड सी नेवर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दस दे वर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन रोड, कि वो मीट नहीं करेंगे एक जगह पे, इसीलिए वो कभी भी एक ही पॉइंट पे नहीं होंगे रोड पे. सो सी ऑन द डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो 7 small boxes है यानी कि 4 किलोमीटर और 1 small box यानी कि यहाँ पे दिया गया 4.7 किलोमीटर. ठीक है, सो इनिशियली ऑब्जेक्ट सी इज़ 4 blocks अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो जो सी है वो ओरिजिन से 4 blocks पीछे है, मतलब दूर है. ठीक है, सो डिस्टेंस जो है सी का ओरिजिन से वो कितना हो गया, 16.7 किलोमीटर हो गया. सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो गया सी का जब बी ए को पास कर रही है, दैट इज़ 8 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस जो कवर किया सी ने वो कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया. क्वेश्चन 3 वी हैव दैट एक बॉल है उसे हमने ड्रॉप किया, ठीक है, एक हाइट से यानी कि 20 किलोमीटर से. इफ़ अगर उसकी वेलोसिटी है जो वो इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली मतलब सेम रेट पे, यानी और रेट क्या है 10 meters per second है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो कितनी वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, और आफ्टर टाइम व्हाट विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, है ना, मतलब कितने टाइम बाद वो क्या करेगी, उसे स्ट्राइक करेगी, वो हमें निकालना है. सो लेट अस अज्यूम द फाइनल वेलोसिटी विद विच बॉल विद स्ट्राइक द ग्राउंड बी वी, तो जो जब स्ट्राइक करेगी तो वो वेलोसिटी हमने क्या ले ली, वी ले ली, और टाइम क्या ले लिया, टी ले लिया, जितना टाइम वो लेगा स्ट्राइक करने के लिए. सो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू हो गया, दैट इज़ 0. डिस्टेंस हाइट यानी कि 20 meters दिया हुआ है हमें, मतलब जो वो आ रहा है जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो 10 meters per second square हो गया. सो 2as = v² - u² हम लोग इसमें ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस से, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और a यानी कि एक्सीलरेशन. तो यहाँ पे क्या हो गया कि वी स्क्वायर को हम लोग उस साइड ले आए तो प्लस में आ गया, और 2as इस साइड आ गया. ठीक है, तो अब देखिए सॉरी यू स्क्वायर को हम लोग इस साइड ले आए तो वो प्लस में हो गया. सो 2 as it is a यानी कि 10, s यानी कि 20 और u यानी कि 0. सो v square is equals 400. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी जो है बॉल की वो 20 meters per second थी, तो हमें टाइम भी निकालना है. सो टाइम तो a का फॉर्मूला होता है v - u / t. सो टी उधर चला गया और ए नीचे आ गया, सो फॉर्मूला क्या हो गया, t = v - u / a. सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक दैट इज 2 - 0/10 यानी कि 20/10 यानी कि 2 seconds. कितना टाइम लिया उसने, 2 seconds लिए. नाउ 8th क्वेश्चन वी हैव दैट स्पीड टाइम ग्राफ देके रखा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 seconds, कि फर्स्ट 4 seconds में कार ने कितना फास्ट ट्रेवल किया है. ठीक है, और उस एरिया को हमें क्या करना है, स्वीड करना है, जैसे हमने ग्राफ पे दिखाया है उसी तरीके से. तो देखिए हमने ग्राफ को शेड किया है 4 seconds में. सो दी शेडेड एरिया विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 × 4 × 6 यानी कि एक ट्रैंगल हो गया. ठीक है, तो ट्रैंगल का बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस 4 है और हाइट कितना है, 6 है, तो उसका एरिया निकल गया, दैट इज़ 12 meters. तो कार ने कितना ट्रेवल किया, 12 meters किया, डिस्टेंस कवर कितने मिनट्स सेकेंड्स में, 4 seconds में.
एज इट इज़। नेक्स्ट वी हैव बी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्राफ इन रेड कलर्स बिटवीन टाइम 6 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में जो है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, मतलब उसमें जितना टाइम हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म ही हो रहा है वहाँ पर स्पीड उसकी। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 9, दैट इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। इनमें से हमें कुछ सिचुएशंस दी गई, इनमें से कौन सी पॉसिबल है वो बताना है और उसका एग्जांपल भी देना है। फर्स्ट वी हैव दैट एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन विद जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन है पर क्या हो है, जीरो वेलोसिटी है उसकी। पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कब, जब कोई भी एक बॉल है ठीक है वो हमने थ्रो की है मैक्सिमम हाइट पे, कि जितना हम लोग ऊपर हाइट फेंक सकते उतना फेंका है ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद कि उसकी जो वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, ऑल दो इट विल हैव कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, पर उसका जो एक्सीलरेशन है वो कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, उसे नीचे खींचेगी, और ग्रेविटी क्या है, दैट इज़ 9.8 meters upon 32 ठीक है, ये हो गया। देन बी पार्ट वी हैव दैट विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। हमें बोला गया है कि ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। सो दैट इज़ पॉसिबल है, ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखिएगा कि जब कार है वो मूव कर रही है सर्कुलर टॉप से ठीक है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी के कारण वो इक्वली होगा उसके डायरेक्शन के, कि जैसे जैसे डायरेक्शन होगी उतना उसका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन है जो वो उसी के मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब इससे भी बोला गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो रेडियस वो भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है कि 24 आवर्स में उसने कितना रिवॉल्व किया अराउंड अर्थ के अराउंड ठीक है। सो देखिए अब इसका ऑर्बिट यानी कि रेडियस कितना हो गया, 422 जो दिया हुआ है वो हो गया। सो टाइम जो लिया है रिवॉल्व करने के लिए वो T1 है यानी कि 24 आवर्स है। सो हम लोग क्या कर लेंगे कि स्पीड जो है सर्कुलर मूव मतलब पाथ की जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट भी, दैट इज़ वी है, यानी कि इसमें हो गया 2πr/T, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये हो गए 2 × 22/7 × 42250 × 1000 / 24 × 60, क्योंकि मिनट से सॉरी आवर्स से सेकंड्स पे कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 बार 60 लिया है। सो 2 × 22 × 42250 × 1000 / 7 × 24 × 60 × 60 ये हो गया। सो द आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3073.74 meters per second। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, रिवीजन भी खत्म होता है। 5th चैप्टर है जिसका रिवीजन आपको करवाने की जरूरत नहीं है ठीक है, आई होप आप वो कर लेंगे। और एक और चीज़, 2nd चैप्टर का जो मैंने बोला था कि वो नहीं आ रहा है ठीक है, पर कुछ अगर ऐसा है जिसे मैटे की डेफिनेशन से, तो वो तो 1st चैप्टर में भी आ रही है या 2nd चैप्टर में भी है ठीक है, तो उसका कोई वहाँ पे है नहीं। अगर आता भी है तो उसमें आएगा कि जैसे कि वो बोला गया है कि उसमें क्या है, जैसे कि मैटे की डेफिनेशन है ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, इस तरीके के हैं जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, दो ज़्यादा नहीं है, बस डेफिनेशन से 2-3 है जो मैं अभी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में वो लिखने में। देखिए जैसे कि डेफिनेशंस है, पहले जैसे कि सस्पेंशन सॉल्यूशन है, सस्पेंशन यानी कि जिस वाटर में जो चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती उसे सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सैंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सो दैट इज़ सस्पेंशन सॉल्यूशन ठीक है। ये हो गया कि सैंड है जो डिजॉल्व नहीं होती, तो जो चीज़ पानी में डिजॉल्व नहीं होती उसे सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। देन सॉल्यूशन क्या होता है कि प्योर ये मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन अलग है, सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी चीज़ जो पानी में डिजॉल्व हो जाए अच्छे से, दिखे ही ना कि वो है उसके अंदर, मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी दिखेगी, पर ऐसी चीज़ जो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए दिखे ही ना, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ आ रहा है। देन मैटर, कोई भी चीज़ जो एटम से बनी हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हो, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक मैटर एक ऐसा है सब्सटेंस है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, दैट इज़ नोन एज मैटर। बस ये 3 डेफिनेशंस हैं। देन अगर आप इन 3 डेफिनेशंस को बुक में देखेंगे तो भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी, और वो यूज़ होता है डाइज को सेपरेट करने में, डाइज आती है ना कपड़ों को डाई करने वाली ब्लू कलर की ऐसी सारी। सो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि कौन सा प्रोसेस है जिससे जो यूज़ होता है डाइज को सेपरेट करने के लिए, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है प्योर सब्सटेंसेस के नाम बताने की, मेटल हो गया या वाटर हो गया ठीक है, ये क्या है प्योर सब्सटेंसेस के नेम्स है। तो बस ये 5 क्वेश्चन है जिसे आपको करना है, रेडी करना है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज रिविज़न ख़त्म होता है यहाँ पे, टिल देन थैंक यू।